केसीएन में आपका स्वागत है, मैं किंग हमीद। लिहाजा उलमाए किराम के मुतबिका राय से ये फैसला लिया गया है कि कल बरोज़ जुमेरात 23 मार्च 2023 को शाबानुल मुअज्जम की 30 तारीख होगी और 24 मार्च बरोज़ जुमा रमजान की पहली तारीख होगी इंशाअल्लाह। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। आज 22 मार्च 2023 बरोज चहारशुंबा 29 शाबान और मुआजम का दिन रहा और रोयत हिलाल का मामला रहा और उलेमाए अहले सुन्नत ने बाद नमाज मगरिब फौरन चांद देखने का एहतमाम किया और बजरिए फोन जहां जहां ताल्लुकात थे तमाम अहबाब से राबिता किया गया तो कहीं से कोई खबर पूरे सूबे कर्नाटक से हमें मौसूल नहीं हुई। बेंगलोर से, चित्रदुर्गा से, दावणगिरे से जगह जगह फोन पर मालूमात किया गया मगर कहीं से जो है रुयत की कोई खबर नहीं आई। लिहाजा काफी देर तक उलमा अहले सुन्नत ने राबता करने के बाद यह फैसला लिया है कि इंशाल्लाह ताला आज 30 शाबानुल मुअज्जम की तारीख है और कल 23 मार्च 2023 बरोज जुमेरात जो है इंशाल्लाह ताला 30 शाबानुल मुअज्जम है, कल पहली तरावी होगी और जुमा जो है इंशाल्लाह ताला यकुम रमजानुल मुबारक की तारीख होगी। लिहाजा मैं तमाम अहबाब को जो है रमजानुल मुबारक की आमद की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ इस माह मुबारक में खूब इबादत करें, रोजा रखने के साथ साथ नमाजों की पाबंदी, मसाजिद में तरावी की पाबंदी और सहरी अफ्तार का खुसूसी दुआओं के साथ एहतमाम करें और मसाजिद अहले सुन्नत में अमन के साथ इंशाल्लाह ताला रमजान को मनाएंगे। और एक खास बात ये भी कहला रहे हैं कि आपने जैसी देर सुना है आपने कि फजर की नमाज में हुकूमत की जानिब से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल को सख्ती से मना किया गया है। 6 बजे के बाद लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कम आवाज में। 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर आप हुकूमत की पाबंदी की वजह से नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो रमजान और मुबारक में हम गुजारिश करते हैं कि तमाम मसाजिद अहले सुन्नत में लाउड स्पीकर को इस्तेमाल ना करें बल्कि इस पर बहुत मोहतात रहें। इसके लिए कोई दूसरा जरिया बना लें कि मुसलमानों के जहां घर कसरत से है तो अहबाब जो है जब शहरी में उठ जाए तो बाहर निकल करके कुछ आवाज भी लगा सकते हैं। ये बेहतर तरीका है कि इस पर जो है अमल हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम अहबाब